दोस्तों, अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में किसी भी डोमेन यूजर के लिए एक पर्टिकुलर मशीन कैसे फिक्स कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग डिफॉल्ट चेक करें, जो हमारे डोमेन यूजर होते हैं वो एंटायर डोमेन रिसोर्सेज से किसी भी मशीन पर जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। किसी भी मशीन से जाकर जस्ट उसे अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना होता है और वो वेरीफाई होते ही अपने अकाउंट को किसी भी मशीन से जाकर लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर एक पर्टिकुलर मशीन से ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके, बाकी किसी भी मशीन से वो लॉगिन ना कर सके, तो हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर के लिए एक पर्टिकुलर मशीन डिसाइड कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। अब वो कैसे सेट कर सकते हैं वो देखिए जरा। अभी दोस्तों अगर हम लोग यहां पर देखें, मेरे पास में एक क्लाइंट वन, हम क्लाइंट हाइफन वन के नाम से एक क्लाइंट मशीन है, जिस पर मैंने अभी यथार्थ नाम के यूजर से सक्सेसफुली लॉगिन किया हुआ है। और क्लाइंट हाइफन वन मशीन का जो कंप्यूटर नेम है वो है क्लाइंट वन हाइफन पीसी। क्लाइंट वन हाइफन पीसी से यथार्थ नाम का यूजर लॉगिन है। तो अब मैं चाहता हूं, देखिए जरा एक बार, जरा हम लोग डीसी मशीन पे चलते हैं जहां पर मैंने ऑलरेडी विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया हुआ है, जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन भी क्रिएट किया हुआ है। और यहां पर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन करेंगे। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन करने के बाद जिस भी यूजर के लिए आप मशीन डिसाइड करना चाहते हैं उस यूजर पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहां पर प्रॉपर्टीज के अंदर जाइएगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों यहां पर आता है अकाउंट टैब। अकाउंट टैब पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपको एक अनदर टैब मिलेगा लॉग ऑन टू, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर ऑल कंप्यूटर्स पे चेक मार्क होता है कि वो किसी भी क्लाइंट मशीन से जाकर अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकता है, जस्ट उसे अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना होता है। अब अगर आप इस यूजर के लिए या किसी भी यूजर के लिए एक पर्टिकुलर मशीन या कुछ मशीन डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप द फॉलोइंग कंप्यूटर्स पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर कंप्यूटर नेम डिसाइड कीजिए। यहां पर आपको उस मशीन का नेम डिसाइड करना है जिस मशीन से चाहते हैं कि यथार्थ नाम का यूजर लॉगिन हो सके। तो यहां पर मैं क्लाइंट टू हाइफन पीसी एड पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि यथार्थ नाम का जो यूजर है वो केवल क्लाइंट टू हाइफन पीसी वाली मशीन से ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके, बाकी किसी भी अनदर मशीन से वो लॉगिन ना कर सके। चाहे तो आप दोस्तों यहां पर मल्टीपल मशीन का नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आप जिन जिन मशीन का नेम डिफाइन करोगे, यथार्थ नाम का जो यूजर है केवल उसी मशीन से लॉगिन कर पाएगा, बाकी किसी भी अनदर मशीन से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके पर क्लिक कीजिएगा, अप्लाई देन ओके। एक दो बार आप रिफ्रेश कीजिएगा क्योंकि अपडेट होने में इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक बार हम लोग अगेन क्लाइंट वाली मशीन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो यथार्थ नाम के यूजर को परमिशन दी है कि वो केवल क्लाइंट टू हाइफन पीसी से ही लॉगिन कर सके, लेकिन अभी ये क्लाइंट वन हाइफन पीसी से लॉगिन है। ये पहले ही लॉगिन किया हुआ था, बाद में हमने परमिशन डिसाइड की है। अब जरा ट्राई करते हैं,
एक बार लॉग ऑफ करके अगेन यथार्थ नाम के यूजर को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्या अभी भी ये लॉगिन हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसके लिए आप पासवर्ड वेरीफाई कीजिएगा और एंटर पर। ये अभी लॉगिन हो चुका है, सेम वही, इसको थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है। इन जो भी आपने डीसी मशीन पर एडिटिंग मॉडिफिकेशन की है, दोबारा से आप लॉग ऑफ करके लॉगिन करेंगे जरा, पासवर्ड वेरीफाई कीजिएगा यथार्थ यूजर का। और दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं और नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है, योर अकाउंट इज कॉन्फिगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस कंप्यूटर, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस कंप्यूटर को यूज करने के लिए। तो अब यथार्थ नाम का यूजर कभी भी केवल क्लाइंट टू हाइफन पीसी से ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएगा, किसी भी अनदर मशीन से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर के लिए एक पर्टिकुलर मशीन फिक्स कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए।